नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा ही अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद एक क्लाइंट ने मेरे को एक मैप भेजा और वो जानना चाहते हैं कि मैं ये प्लॉट खरीदूँ या ना खरीदूँ। मैं ये प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, मुझे यह प्लॉट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। प्लॉट के नॉर्थ में भी गली लगती है और साउथ में भी गली लगती है, यानी प्लॉट टू साइड ओपन है, उसके फ्रंट में भी रोड लगती है और उसके बैक साइड में भी रोड लगती है। जो प्लॉट पे रोड लगती है वो नॉर्थ की रोड भी लगती है और साउथ की भी रोड लगती है, और साउथ में साउथ वेस्ट का टी पॉइंट भी लगता है। उनका कहना है कि बंसल जी, मुझे ये प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी यह बात बताना चाहूँगा, यदि आपके पास ऐसा कोई टी पॉइंट का प्लॉट आता है जिसके साउथ वेस्ट के भाग में, यानी प्लॉट के साउथ में भी रोड लगती है और नॉर्थ में भी रोड लगती है, आप फ्रंट नॉर्थ में बनाएं या साउथ में बनाएं, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपके यहाँ जो साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट लगता है, यानी जो गली की टक्कर है जो आपके प्लॉट को हिट करती है। कहाँ हिट करती है? साउथ वेस्ट के भाग में। यहाँ पर जो गली की टक्कर हिट करती है, ये एज पर वास्तु सबसे ज़्यादा गलत मानी जाती है। इस टी पॉइंट के कारण घर के मालिक का स्वास्थ्य खराब होने का कारण भी बनता है, और साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट आने से घर के मालिक के समय से पहले जाने के कारण भी बन सकते हैं। इस तरह के रिजल्ट भी देखे गए हैं। यदि आप ऐसा कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को ना खरीदें जिस प्लॉट के साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट आता हो। आपके प्लॉट में साउथ में रोड लगती है और नॉर्थ में रोड लगती है, या सिर्फ आपका वन साइड ओपन प्लॉट है और उसके साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट लगता है, तो ऐसा प्लॉट आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपको प्लॉट लेना है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे टी पॉइंट से ज़रूर बचें। उनका अपना एक क्वेश्चन और था कि मैं इस प्लॉट में टी पॉइंट वाले हिस्से को छोड़ के ईस्ट वाला पोर्शन खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, प्लॉट का साइज़ बड़ा है और आप ईस्ट की तरफ का भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है, आपके यहाँ यानी साउथ वेस्ट से जहाँ तक टी पॉइंट का हिस्सा आता है, यानी जो आपका प्लॉट है, प्लॉट का ये मान लीजिए 20 फीट का हिस्सा टी पॉइंट पर आता है या 15 फीट का हिस्सा टी पॉइंट पर आता है, 15 फीट का हिस्सा टी पॉइंट पर आता है तो आपने 20 फीट का हिस्सा छोड़कर, और 20 फीट का हिस्सा टी पॉइंट पर आता है तो 25 फीट का हिस्सा छोड़कर आप यहाँ से यानी नॉर्थ से साउथ की ओर एक वॉल खींचकर ईस्ट का भाग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना है, जो टी पॉइंट आपके प्लॉट पर आता है वो टी पॉइंट बिल्कुल भी आपके हिस्से में ना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारी जगह देखने में आता है कि जितनी अपनी सड़क होती है, गली होती है, उसके साथ में एक 5 फुट का, 7 फुट का या 10 फुट का एरिया एज ए पार्किंग या एज ए लोन छोड़कर बिल्डिंग बनती है। मान लीजिए ये सामने एक प्लॉट है, ये एक बिल्डिंग बनती है, तो इसमें जो 7 फीट का या 10 फीट का हिस्सा आता है, ये हिस्सा भी आपने ज़रूर छोड़ना है। इस बात का भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि गली का जो पार्ट है, जो सड़क का जो पार्ट है, वो आपका इस पॉइंट से लेकर जहाँ तक सामने वाले की बिल्डिंग शुरू होती है वहाँ तक के हिस्से को आपने ज़रूर छोड़ना है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि सड़क की जो चौड़ाई है वो इतनी ही है और उसके बाद जो ये एरिया है ये उनका अपना एक गार्डन एरिया है या पार्किंग एरिया है। आपका गार्डन एरिया है तब भी, पार्किंग एरिया है तब भी, जो उनकी अपनी बनी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की सीध से, ये मान लीजिए ये सीध आती है, तो उससे भी 5 फीट छोड़ के या 7 फीट का एरिया छोड़ के तब आप इस प्लॉट की जो चौड़ाई है उसको कम करके इस प्लॉट को आप ले सकते हैं, ये प्लॉट फिर आप ले सकते हैं।
यदि इस प्लॉट की चौड़ाई आपको कम मिलती है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को ना खरीदें, क्योंकि दक्षिण मुखी प्लॉट में बिल्डिंग बनाते हैं तो दक्षिण मुखी प्लॉट की जितनी चौड़ाई ज़्यादा होती है दक्षिण मुखी प्लॉट उतना ही आपको बेनिफिट देता है। यदि दक्षिण मुखी प्लॉट की चौड़ाई कम होती है और लंबा ज़्यादा होता है तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लॉट के अंदर जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग की सेटिंग अच्छे तरीके से नहीं होती, क्योंकि दक्षिण मुखी प्लॉट में चौड़ाई कम हो जाती है। एज पर वास्तु जो चीज़ें हमें प्लॉट के अंदर बनानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं बनती। दक्षिण मुखी प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दक्षिण मुखी प्लॉट की चौड़ाई जितनी ज़्यादा हो उतने ही उस प्लॉट के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने साउथ फेसिंग प्लॉट ले लिया है और उसके ठीक सामने ट्यू पॉइंट आता है तो आपने क्या करना चाहिए? जो आपका साउथ वेस्ट का ट्यू पॉइंट है यहाँ पर आपने बिल्कुल ठोस दीवार लगानी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सुराख इस हिस्से में नहीं होना चाहिए और आपको अपना जो मेन गेट है वो मेन गेट आपने साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर इस हिस्से में बनाना चाहिए। कोशिश करें कि साउथ सेंटर में भी आप अपना मेन गेट ना बनाएं, क्योंकि टी पॉइंट के हिस्से से जितना आप ईस्ट की ओर जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों को जो जानकारी देता हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ। जो बात मैंने आपको बताई कि आपने अपना मेन गेट साउथ सेंटर से जितना मैक्सिमम साउथ ईस्ट की ओर लेकर जाते हैं या साउथ ईस्ट कॉर्नर में लेकर जाते हैं तो वो गेट आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद होगा। आपका घर साउथ फेसिंग है और साउथ वेस्ट का टी पॉइंट आपके घर को लगता है और आपका मेन गेट भी साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बना हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ कई प्रकार की परेशानियाँ जीवन में जरूर आएंगी, हेल्थ संबंधित इशू आपके यहाँ बने रहेंगे, घर के अंदर बच्चे शादी के लायक है तो उनकी शादी होने में भी देरी होगी और परिवार के अंदर जो एकता होनी चाहिए, जो अच्छे संबंध होने चाहिए वो संबंध भी अच्छे नहीं होते और कहीं ना कहीं घर में रहने वाले किसी न किसी एक मेंबर में बुरी आदतें भी आ जाती हैं। बुरी आदतें किस प्रकार की? शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, नशा करना। जिस घर के साउथ वेस्ट के भाग में गेट आ जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती है और साथ में टी पॉइंट आ जाते हैं तो इनका प्रभाव और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप परेशान हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट आता है तो उसके ठीक सामने मेन गेट को कभी भी ज़िंदगी में ना बनाएं। आपका मेन गेट साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट के सामने बना हुआ है और आपको परेशानी आ रही है तो आप इस गेट को यहाँ से बंद करें और एक गेट साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर ज़रूर बनाएं और उस गेट का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि जो आपके यहाँ समस्याएं आ रही है, जो बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर गलत आदतें आई हुई है, वो आदतें धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएगी, यानी घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे घर में रहने वाले परिवार के रिलेशन में, संबंधों में भी सुधार जरूर होगा साउथ वेस्ट के भाग के गेट को बंद करने से। आप ये काम जरूर कीजिएगा। ध्यान रखना है साउथ वेस्ट के भाग में आपने सॉलिड दीवार जरूर बनानी है। यहाँ पर दीवार आपने कम से कम 9 इंच की जरूर बनानी है। 18 इंच की बनाए तो और भी अच्छा है, कम से कम 9 इंच की जरूर होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि हमने एक 4 इंच की पर्दे लगाई और काम हो गया। 9 इंच की दीवार कम से कम होनी चाहिए। 14 इंच की या 18 इंच की दीवार कर सकते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आप सभी अपना किंच इसमें निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। वीडियो बनाने की जो चार्जेज है वो हमारी 11,000 रुपये हैं। आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट को भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेगी। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं।
आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें। हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके माध्यम से किसी व्यक्ति के काम आ जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।